ये है बनारस का चेतगंज इलाका। घनी आबादी वाले इस इलाके में कारोबार के सैकड़ों माध्यम हैं। छोटे से लेकर बड़ा कारोबारी हर कोई यहाँ दिन के उजाले में चैन और सुकून के साथ अपना कारोबार करता है, मगर रात के अंधेरे में यहाँ शराब का काला कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। रात के 11 बजते ही चेतगंज के सड़कों पर सक्रिय हो जाता है शराब का अवैध ठेका, और जो इस अवैध कारोबार को करते हैं उन्हें न तो पुलिस का खौफ है और ना ही प्रशासन का डर। खुद ही देखिए कैसे रात के अंधेरे में होता है ये कारोबार। पैसा वैसा लाएगा नहीं तो पैसा दे के नहीं देते यार, हम अपने पास थोड़े रखते हैं, जिसके यहाँ रखा था वो पैसा लेके देता है। जान रहे हूँ भाई। कौन सा है? किंग फिकर इन ट्राम। गुस्सो का बहुत महंगा है, पुलिस को भी देना रहता है, सबको जो बेचता है उसको भी देना रहता है, सब में ऐसे थोड़े बेच रहे हैं, पुलिस को दे के देते हैं। हाँ कितना पुलिस को? 7,000 का महीना देते हैं। कितना? 7,000। सबको कहा नहीं मालूम रहता है का तो भेज के मंगवा लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे, कितने औकात में हम हैं, पुलिस से कोई छिपा ही कोई छिपा पाएगा। सुना आपने ये कारोबारी पूरे नेक्सस के बारे में कैसे बता रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की मिलीभगत के बारे में तो ये शख्स बता ही रहा है, साथ ही ये भी बता रहा है कि कई स्थानीय नेता भी इससे शराब आधी रात के बाद ही खरीदते हैं। हालांकि जब इस बाबत हमने क्षेत्राधिकारी चेतगंज अनुराग आर्या से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार रात में गश्त लगाती है और अब तक कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है, मगर इस संबंध में उन्हें कुछ जानकारी जरूर हाथ लगी है। जो कोई भी इस कारोबार में होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई बड़ा नेता। अब तक इस तरह की कोई चीज संज्ञान में नहीं। रात को हम लोग गश्त भी करते हैं, रात के 1:30 बजे तक गश्त करते हैं। इस तरह की कोई बात होती तो स्थानीय नागरिकों के द्वारा सूचित किया जाता, मैं लोगों से फीडबैक भी लेता रहता हूँ। ऐसी सूचना अब तक नहीं मिली थी, लेकिन अब जब ये संज्ञान में आ गया है तो इसकी तत्काल जाँच कराई जा रही है, और अगर इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस वाले कोई संबंधित है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त सीएम लगातार पुलिस और अधिकारियों को अपना रवैया सुधारने की नसीहत दे रहे हैं, मगर लगातार पुलिस पर लगे इन आरोपों से ये तय है कि समूचे प्रशासनिक अमले को अपने कार्यशैली में सुधार लाना होगा ताकि बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी।